अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज हमें जाना था डिनर पर, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलूं। तो जी मरजान रेस्टोरेंट का बहुत सुना था और इसकी ओपनिंग हुए हुए कुछ ही टाइम हुआ था, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ जाके ट्राई किया जाए। तो जी हम यहाँ पहुँच गए और यहाँ की एम्बियंस की बात की जाए तो गाइस कमाल का एम्बियंस है लुक वाइज, बाकी आप लोग देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन और बहुत ही ज़्यादा जो है ना रॉयल टाइप वाइब आती है। तो जी लेकिन हमें जाना था रूफ टॉप पे, तो जी हम पहुंच गए रूफ टॉप पे। फिर हमने सोचा चलो अब इनका मेन्यू देखते हैं। अच्छा, इनकी मेन्यू में जो इनकी स्पेशलिटी है वो है अंगारा बूटी, तो जी इस जिसके बारे में हमने बहुत ही ज़्यादा सुना था, तो हमने सोचा चलो इनकी अंगारा बूटी भी ट्राई करते हैं और साथ में कुछ और चीज़ भी ट्राई करेंगे। और जी मौसम भी बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो जी हमने अंगारा बूटी और चिकन डायनामाइट्स ऑर्डर किया। तो जी यहाँ मेरे हस्बैंड ऑर्डर दे रहे हैं। तो जी आप लोग इसका एम्बियंस देख सकते हैं, बहुत ही कमाल की डेकोरेशन, बहुत ही पीस, मतलब सुकून है, बिल्कुल सुकून है। तो जी थोड़ी ही देर में हमारा जो है ऑर्डर आ गया था और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत कोऑपरेटिव था। और जी प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो गाइस कमाल की प्रेजेंटेशन थी, मतलब देखकर ही इंसान का ना दिल चाहे बस सब खा लो। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने की थी और जो इनकी सर्विंग थी मतलब रोटी वगैरह की वो भी बहुत अच्छी थी। तो जी यहाँ हमने खाना इसको स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले अंगारा बूटी ट्राई करी और इनको तो खैर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई अंगारा बूटी। और जी इसके बाद मैंने बोला कि भाई चिकन डायनामाइट्स भी भाई चेक करके बताओ कि कैसा है इसका टेस्ट वगैरह। तो जी इन्होंने इसका भी टेस्ट किया, तो इसका भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा ही था। तो जी अब मैंने बोला अब मैं ट्राई करूँगी, तो सबसे पहले मैंने तो भाई चिकन डायनामाइट्स ट्राई करी क्योंकि आई लव दिस। तो जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा और इसके साथ जो इसकी इन्होंने डिप दी थी ना, जो सॉस था, सॉस बहुत ही ज़्यादा कमाल था। तो इसके बाद बारी आई अंगारा बूटी की। अच्छा, अंगारा बूटी में जो है ना इन्होंने ऊपर से थोड़े से स्पाइसेस डाले हुए थे और थोड़े से इनकी कोई स्पेशल सॉस थी वो डाली थी, जिसकी वजह से जो है ना इसका टेस्ट जो है और ज़्यादा इन्हेंस हो गया था। तो जी हमने अच्छे से डिनर किया और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को डिनर में। आप अगर आप लोग मरजान रेस्टोरेंट नहीं गए तो गाइस एक बार जाके ज़रा इनका आप लोगों ने टेस्ट करना है। अंगारा बूटी तो आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है, ठीक है। ट्राई करने के बाद आप लोग मुझे भी बताइए कि आप लोगों को इसका टेस्ट अच्छा लगा या नहीं लगा, क्योंकि भाई हमें तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और अब हम कभी भी जाना हो ना तो अब हम मरजान ही जाते हैं। अच्छा जी, बस हम खा ही रहे थे, इंजॉय कर रहे थे अपना डिनर। और भाई पेप्सी के बगैर तो डिनर इनकम्प्लीट है। तो जी हमने बहुत सारा इन्जॉय किया था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।